नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं जीएसएल न्यूज। स्वर्णकार मधुर मिलन समिति द्वारा आयोजित विवाह सम्मेलन पर स्वर्णकार बंधुओं ने उठाए सवाल। सामूहिक विवाह सम्मेलन के नाम पर स्वर्णकार समाज के साथ हुआ धोखा। आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसे सामूहिक विवाह सम्मेलन के बारे में जो कि सीकर जिले में स्थित अजमेर धाम में आयोजित किया गया। यह सम्मेलन स्वर्णकार मधुर मिलन समिति के संयोजक लीलाधर सदेवड़ा के द्वारा आयोजित किया गया। सम्मेलन से पूर्व समाज को एक फर्जी वीडियो जारी करके विवाह सम्मेलन को एक भव्य रूप में चल रही तैयारियां दिखाई गई। साथ ही समिति ने पंपलेट जारी करके विवाह सम्मेलन से महीनों पूर्व भी झूठे प्रलोभन दिखाए, जिसके चलते राजस्थान के अलग अलग जिलों से विवाह योग्य युवक युवतियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया। प्रत्येक जोड़े से 62,000 रुपये की राशि समिति द्वारा ली गई, लेकिन जब राजस्थान के दूर दराज इलाकों से समाज बंधु इस आयोजन स्थल पर पहुंचे तो उन्होंने अपने आप को ठगा हुआ महसूस किया। जीएसएल न्यूज सभी स्वर्णकार बंधुओं से यह अपील करता है कि किसी भी समिति में आयोजन से पूर्व समिति के बारे में पूरी जानकारी लेने के बाद ही विवाह रजिस्ट्रेशन करवाएं, क्योंकि कुछ लोगों की वजह से संपूर्ण समाज को बदनाम होना पड़ता है। देखिए हमारी विशेष रिपोर्ट। जो इन्होंने किए है कल हमारे साथ में जो इन्होंने बर्ताव किया है, ये बिल्कुल गलत बर्ताव था। इन्होंने बिल्कुल मतलब गलत बर्ताव किया। पहले तो आप अपना परिचय दीजिए कि आपका नाम क्या है, गोत्र क्या है और आप कहाँ से पधारे। मैं भाई साहब पाली डिस्ट्रिक्ट रायपुर से, गणपत देवाल। तो भाई साहब कल हम आए यहाँ पे तो रूम के अंदर बिल्कुल गंदगी पड़ी थी, तो वो हमारे को खुद को बोल रहा है कि तुम सफाई करो यहाँ पे। ये किसने कहा आपसे? लीला दर्जी ने कहा हमारे को। और बोल रहे हैं कि तुम क्यों आए यहाँ पे, क्यों आए यहाँ पे तुम। ये इसको बोलने के थोड़े बहुत मैनर्स रखने चाहिए कि मैं किसके सामने क्या बोल रहा हूँ, क्या बुलाया क्यों तुमने। आपसे मेरा सीधा प्रश्न ये है कि आज जो ये समिति सम्मेलन का आयोजन कर रही है, आप इससे संतुष्ट हैं या ना संतुष्ट हैं? हम भाई साहब बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। दहेज का इन्होंने 62,000 रुपये लिए हैं दहेज के अंदर एक टीवी। 62,000 रुपये कैसे लिए कुछ बताएंगे? 41,000 रुपये वधु वर पक्ष से लिए, 21,000 रुपये वधु पक्ष से लिए। अब आप वो दहेज का सामान देखो, खाली एक पलंग पड़ा है, खाली 10,000 रुपये का सामान है वो। एक प्लॉट, एक एफडी, एक अलमारी। ये किसने कहा था आपको कि एक प्लॉट मिलेगा, एक एफडी मिलेगा? बेनक पूरा व्हाट्सएप पे आया हुआ है, इनका खुद का व्हाट्सएप पे आया हुआ है, पैम्फलेट आया हुआ है। एक प्लॉट, एक एलईडी और एक अलमारी और एक एफडी, ये कहाँ है? उनको जवाब देना पड़ेगा। अभी जी हैं, इनके लड़के की आज शादी है। व्यवस्था जो थी कहाँ पर सर? कहाँ से? हम लोग डीडवाना से हैं। आप डीडवाना से? अजमेर धाम का जो सामूहिक सम्मेलन था ये अजमेर धाम? अजमेर धाम के जो सामूहिक सम्मेलन हमने स्वर्णकार समाज का है, यहाँ पे हम पधारे हैं। तो यहाँ पे कुछ व्यवस्थाओं में गड़बड़ है, जैसे कि अभी अचानक हमको बताया जा रहा है कि वर्णमाला आपको ही लेके आनी थी। अब यहाँ आस पड़ोस में जो अपना धाम बना हुआ है, यहाँ आस पड़ोस में ऐसी कुछ जगह भी नहीं जहाँ से हम व्यवस्था कर लें। अगर पहले पता तो हम कर भी लेते, तो ये छोटी मोटी जो गड़बड़ियाँ हैं थोड़ी भारी पड़ रही है। अब आगे थोड़ी है, चलो वो अपन उसको भी अपन लोग अपने समाज का काम है। हाँ, अपने समाज का काम हो जाएगा, चलो अपन वो भी बाद में कर लेंगे। अब पंडित का भी बहुत थोड़ा एक छोटा सा प्रॉब्लम हो गई, जो पंडित भी नहीं है, आपको खुद को लेके आना था, वो भी अचानक पता चला, अब वो भी कहाँ से करें। तो अभी उनसे रिक्वेस्ट करी है कि अब आ तो गए हैं तो काम निकालो, कि समाज का काम है। हम यहाँ पे कुछ अपनी गड़बड़ तो नहीं करनी है, लेकिन घर की बात है, काम अगर बढ़िया तरीके से निकल जाए तो अच्छी बात। तो ये आप देख रहे हैं कि अभी काफी स्वर्णकार बंधु यहाँ पर मौजूद हैं, और जिस तरीके से जो 7 जोड़ों का सामूहिक विवाह सम्मेलन अजमेर धाम में स्वर्णकार मधुर मिलन समिति लीलाधर सदेवड़ा जिसके संस्थापक हैं, और तकरीबन वर वधु पक्ष से 62,000 रुपए की राशि उन्होंने इस सम्मेलन के लिए ली है। और अब इस सम्मेलन में काफ़ी कमियां देखी गई हैं, लेकिन फिर भी स्वर्णकार बंधुओं ने पूरा सहयोग किया है, हर एक एक चीज़ को समझे। अब एंड टाइम पे जब वरमाला हो रही है, तब वधु पक्ष वर पक्ष के लोगों को ये कहा जा रहा है कि आप गजरा जो माला जो होती है वरमाला वो भी आप स्वयं लेके आए। और हालात आपको हम दिखाते हैं कि ये अजमेर धाम है और यहाँ गोरिया में स्थित है सीकर जिले में, या आसपास ऐसा कोई साधन नहीं है जहाँ से आदमी माला लेके आ सके। यहाँ से 2 किलोमीटर दूर जीण माता का दरबार है, वहाँ पर इन्हें वो उपलब्ध होगी। लेकिन ये समस्या और ये कमियाँ जो बिल्कुल समिति के द्वारा हुई है, आज लगता है
कि मानो स्वर्णकार समाज में ये पहला ऐसा सम्मेलन लग रहा है लोगों को जहाँ इतनी कमियां पाई गई है और काफी लोग परेशान हैं। सर एक बार पुनः आपसे आपका नाम पूछना चाहूंगा। मेरा नाम रामनिया है। आप कहाँ से आए सर? मैं सर दिलवाड़ा से। अगर कोई भी समिति पूरे हिंदुस्तान में इस तरीके का सम्मेलन करती है स्वर्णकार समाज में, तो दोबारा आप इस तरीके से आएंगे उस सम्मेलन में? फिर तो माफी माफी फिर तो माफी धन्यवाद सर, धन्यवाद।